1907 में आज ही के दिन मशहूर कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ था। हरिवंश राय अनेक वर्षों तक इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापक रहे। कुछ समय के लिए हरिवंश राय बच्चन आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से भी जुड़े रहे। इसके बाद 1955 में वो विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ नियुक्त किए गए। नील का पुनर्निर्माण, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, तेरा हार, निशा निमंत्रण, मैकबेथ, जनगीता, दो चट्टानी इनकी बेहतरीन रचनाएं हैं। हरिवंश राय को 1967 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1976 में पद्म भूषण सम्मान सहित कई अन्य पुरस्कारों से नवाजा गया। में आज एक दिन उरुग्वे देश ने संविधान अपनाया था। उरुग्वे दक्षिण अमेरिका के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित एक देश है। देश में रहने वाली तकरीबन 35 लाख की आबादी में से 11 लाख लोग राजधानी मोंटेविडियो और उसके महानगरीय क्षेत्र में निवास करते हैं। उरुग्वे की सीमा उत्तर में रियो ग्रांड दो सुल से मिलती है। इसके पश्चिम में उरुग्वे नदी, दक्षिण पश्चिम में रियो डी ला प्लाता का मुहाना और दक्षिण पूर्व में दक्षिण अंड महासागर स्थित है। उरुग्वे दक्षिण अमेरिका में सूरीनाम के बाद दूसरा सबसे छोटा देश है। उरुग्वे की अर्थव्यवस्था मूल रूप से कृषि और राज्य सेवा पर आधारित है। उरुग्वे उच्च मानव विकास सूचकांक और प्रति व्यक्ति आय के लिहाज से लैटिन अमेरिका के सबसे विकसित अर्थव्यवस्था वाला देश है। में आज एक दिन फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति चार्ल्स डी गॉल ने ब्रिटेन के सामूहिक बाजार की कोशिशों का विरोध किया था। गॉल ने फ्रांस के सहयोगियों को चेतावनी दी थी कि अगर उन्होंने फ्रांस पर ब्रिटिश सदस्यता को थोपने की कोशिश की तो उससे संबंधों पर बुरा असर पड़ेगा। 1969 में जब गॉल सत्ता से हटे तो ब्रिटेन ने सामूहिक बाजार की सदस्यता के लिए तीसरी बार कोशिश की और उसकी अर्जी को स्वीकार कर लिया गया और 1973 को ब्रिटेन यूरोपियन इकोनॉमिक कमेटी का पूर्ण सदस्य बन गया था। 1975 में आज के दिन ग्रीन्स बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के सह संस्थापक और जानी मानी टीवी एंकर रॉस मैकविटर की हत्या कर दी गई थी। लंदन में मैकविटर के घर के बाहर हत्यारे घात लगाकर बैठे थे और जैसे ही मैकविटर अपनी पत्नी के साथ घर से बाहर आए उन पर हत्यारों ने गोली चला दी। मैकविटर चरमपंथी संगठन आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के कट्टर आलोचक थे और इसी वजह से IRA ने उनकी हत्या कर दी थी। हालांकि मैकविटर के आरोपियों को पकड़ लिया गया और उन्हें मैकविटर समेत 9 और लोगों की हत्याओं के लिए आजीवन कारावास की सजा दी गई। मैकविटर और उनके भाई नॉरिस मैकविटर ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की स्थापना की थी। 2000 के बाद इसका नाम बदलकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कर दिया गया और 2008 में आज ही के दिन उत्तर प्रदेश में छठा वेतन आयोग प्रस्ताव लागू किया गया था और इसी के साथ उत्तर प्रदेश छठा वेतन आयोग प्रस्ताव लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। जस्टिस B.N. श्री कृष्णा की अध्यक्षता में छठे वेतन आयोग ने मार्च में अपनी सिफारिशें तत्कालीन कांग्रेस सरकार को सौंप दी थी, जिसके मुताबिक केंद्र सरकार और सेना के सभी कर्मचारियों के वेतन में औसतन 28% के इजाफे की सिफारिश की गई थी।